जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप की खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन हमारी तैयारी हो चुकी और आज हम लाहौर में ही मौजूद थे। रात में पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह एक्सपो सेंटर अपने स्टॉल पे जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन कुछ 7:30 बजे। मेरी पूरी कोशिश है कि 8:30 से 9 के बीच में हम अपने स्टॉल पे पहुंच जाएं, क्योंकि कल जो शेड्यूल कल देखा है हमने, 5 बजे जो है वो स्टॉल बंद कर दिए जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह 8:30 से शाम 5 तक जितना हो सके आपके साथ बातचीत की जा सके, आपके मसाइल का इलाज किया जा सके। मेरे साथ मेरी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है। हमने कल भी फार्मर्स को स्पेशली सीमन सिलेक्शन के हवाले से मेरी टीम काम कर रही है, जो वहां पे बैठ के आपको मुकम्मल सीमन पे आपको गाइड करते हैं, थोड़े डिफरेंट एंगल से आपको गाइड करते हैं। एक ही बुल को पढ़ने के 2 से 3 तरीके आपको बताते हैं और आपके एनिमल्स को देख के आपको बुल रिकमेंड करते हैं। और मैं इंशाल्लाह वहां पे मौजूद हूँ आपके तमाम मसाइल, वो डेयरी के हवाले से कोई सा भी है, आप फीड कॉस्ट की वजह से परेशान हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार के अंदर इकोनॉमिक्स आपकी वर्कआउट नहीं हो रही, कलिंग करना चाहते हैं या नहीं, कैसे डेयरी को प्रॉफिट में लाया जा सकता है। कल भी बहुत सारे मसाइल हम सुने, आज भी इंशाल्लाह आप लोगों के मसाइल सुनेंगे। तो मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह हम अगले 1 घंटे में पूरी कोशिश है कि एक्सपो सेंटर लाहौर पहुंच जाएंगे। और दूसरे नंबर पे हमारी जो टीम के पास सीमन मौजूद है वो आज के दिन के लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके बाद चूंकि हम फैसलाबाद में स्टेशन है, तो वो लोग जो लाहौर के पेरिफेरी में इर्द गिर्द हैं या कहीं से भी आए हैं वो इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जो है हम फॉर्म्स पे काम करने वाले लोग हैं, हमारे लिए जो है वो दूर दराज आके इसको ट्रांसफर करना और आपको अवेलेबल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इस ऑफर को अवेल करें, अपने मसाइल लेके हमारे पास आए, हम कोशिश करेंगे जितना हमसे बन सका हम आपके और आपके मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो। मुलाकात करते हैं जी आपसे, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।